नमस्कार, मैं मीनाक्षी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपको क्रेजी किचन में। आज मैं बनाने जा रहे हूँ डोमिनो स्टाइल में गार्लिक ब्रेड, वो भी विदाउट ओवन। मुझे उम्मीद है आप लोग की ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप हल्का गर्म पानी, पानी हल्का गर्म है, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट, 1 चम्मच शुगर। सबसे पहले हमें डो बना के तैयार कर लेना है। डो बनाने के लिए हम ये मैदा में डाल देते हैं शुगर, नमक और ईस्ट। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट यूज़ किया हुआ है, इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट मैदा में डाला जाता है। ये सारे ड्राई चीज़ को अच्छे से हाथ में मिला लेते हैं। अभी हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। ये लहसुन को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ में। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रोटी से थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ डाल देते हैं तो आटा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा गीला हो जाता है। अगर आप ड्राई एक्टिव ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी में शुगर डालिए और शुगर डिजॉल्व होने के बाद उसमें ईस्ट डालिए और ईस्ट को अच्छे से मिला लीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए ढक के थोड़ा सा गर्म जगह पर रख दीजिए। एक बार ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको मैदा में मिला के डो बनाइए। ये स्टिकी डो बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते हैं और इसको हाथ में अच्छे से मसल लेते हैं। ऐसे करके हमें 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे मसल लेना है, जब तक ये डो जो है वो एकदम चिकना ना हो जाए और हाथ में एकदम चिपकना बंद ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम तेल डालेंगे और ऐसे हाथ में मसलते जाएंगे। और एक साथ हमें तेल नहीं डालना है, ये डो को ऐसे हाथ में लेंगे, ऐसे अंदर की तरफ हम टक करेंगे, ऐसे 10 से 12 बार ऐसे टक कर लेते हैं। ये डो हमारा अच्छे से चिकना हो गया है, हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अभी ये डो बन के तैयार है। अभी हम इसके ऊपर एक क्लीन रैप लगा देंगे और इसको रेस्ट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 घंटे के बाद ये डो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, उसके बाद हम इसका गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। 2 घंटा हो गया है, ये डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। क्लीन रैप हटा लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देते हैं और इसको हाथ से सही एक बार मसल लेते हैं। बहुत ज़्यादा अभी हमें नहीं मसलना है, बस हल्का सा मसल लेना है। ये डो को अभी हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। ये है 2 चम्मच फाइनली चॉप्ड लहसुन, 2 चम्मच रूम टेम्परेचर में बटर और 2 चम्मच कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स और 1/4 कप चीज़। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और अभी हम ये बाउल में डाल देते हैं जो बटर, ये बटर हमारा रूम टेम्परेचर में है। बटर अगर फ्रीज में होगा तो उसको मिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो बटर को आप रूम टेम्परेचर वाला ही लीजिए। अभी हम इसमें डाल देते हैं लहसुन, धनिया का पत्ता, आप चाहे तो यहाँ पे बेसिल लीफ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ऑरेगानो। यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अभी ये सारे चीज़ को अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अभी हम एक बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड में थोड़ा सा मकई का आटा या फिर मैदा डाल देते हैं, उसके ऊपर ये डो रख के उसको हाथ में इसे थोड़ा सा फैला लेते हैं। अभी हम इसको बेलन के हेल्प में थोड़ा सा और ज़्यादा फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो ही अच्छा लगेगा। ये बेस हमारा रेडी है, इसके ऊपर हम जो बटर और धनिया पत्ता का मिक्सचर बना के रखे थे इसको अच्छे से फैला लेते हैं चम्मच के हेल्प में। आप चाहे तो इसको हाथ में भी अच्छे से फैला सकते हैं। इसको अच्छे से फैलने के लिए आपको बटर को रूम टेम्परेचर में ही रखना चाहिए, नहीं तो बटर अच्छे से फैलता नहीं है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्न डाल देते हैं, अगर आपको कॉर्न पसंद नहीं है तो आप कॉर्न को स्किप भी कर सकते हैं। कॉर्न के ऊपर हमें चीज़ डालना है, यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़ दोनों यूज़ किया हुआ है, आपको जो भी चीज़ पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद हमें ये साइड को अच्छे से सील कर देना है, इसे ही हाथ से ही सील करना है जैसे ये खुल ना जाए, खुल जाएगा तो चीज़ पिघल कर बाहर आ जाएगा। ये गार्लिक ब्रेड हमारा बेक होने के लिए तैयार है। अभी हम एक बेकिंग ट्रे ले लेते हैं। बेकिंग ट्रे में मैंने थोड़ा सा बटर पेपर डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दिया है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा बस बटर लगा दीजिए, उसके ऊपर ही गार्लिक ब्रेड रखिए। गार्लिक ब्रेड के ऊपर मैं ऐसे ही थोड़ा सा
बटर और धनिया पत्ता का जो मिक्सचर है इसको भी फैला देते हैं। एक नाइफ लेके ये गार्लिक ब्रेड में ऊपर एक नाइफ लेके गार्लिक ब्रेड के ऊपर ऐसे हल्का सा कट लगाने का मार्क करते हैं। हमें कट नहीं लगाना है, बस मार्क करना है। बस ये हो गया। अभी हम इसको कढ़ाई में बेक करते हैं। आप चाहे तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में एक कप नमक डाल के इसके ऊपर एक स्टैंड रख के उसको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रख दिया था। प्री हीट हो गया है, अभी अच्छे से गर्म है। इसके ऊपर अभी हम गार्लिक ब्रेड रखेंगे। नमक का कलर इसे बार बार बेक करने के बाद ऐसे ही हो जाता है। बहुत आराम से इसको रखना है क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको मीडियम फ्लेम में 15 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। 15 मिनट के बाद आप चेक करिए, अगर आपका गार्लिक ब्रेड बेक हो गया है तो ले आइए, नहीं तो इसको और 5 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। 15 मिनट हो गया है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अभी हम इसको आराम से बाहर ले आते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप भी बनाइए और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये गार्लिक ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, उससे आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।